सभी का हर्षिता हरीश की रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ आप लोगों के लिए डिश लेके आई हूँ। उसके पहले कुछ कहना चाहूँगी, मैं 2 वीक से कोई डिश लेके नहीं आई थी। किसी अपने के जाने से बहुत तकलीफ होती है। हमारे फैमिली में कोई अपने चले गए हैं, हमें इतना तोड़ दिया है दोनों को, अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे वो चले गए, फिर हिम्मत लाए कि जिंदगी तो जीना है, क्यों ना थोड़ा हिम्मत से डट के सामना करें और आगे बढ़े, अपनी वापस जिंदगी जिए, काम में लग जाए, बिजी हो जाए, व्यस्त रहे और मस्त रहे। मैं सभी से कहती हूँ, लाइफ में तनाव तो बहुत है, पर फिर भी अपने मन को थोड़ा धैर्य रखे, हिम्मत लाए और अपने काम में लगे रहे और आगे बढ़े। आज इसी हिसाब से मैं आपके लिए कुछ डिश लेके आई। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी कॉर्न। थोड़ी हिम्मत दिखाई है, फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ डिश बनाई जाए। गर्मियाँ शुरू हो रही है, बच्चों को लगता है कुछ कुछ नया बनाए, बड़ों का भी मन करता है कुछ नमकीन खाए, तो मैंने सोचा झटपट क्रिस्पी कॉर्न कैसे बनता है आज मैं आपको वो बताती हूँ। इसकी आप रेसिपी नोट कीजिए। ये मैंने बॉईल किए हुए यहाँ पे स्वीट कॉर्न रखे हैं, और ये मैंने हरा धनिया लिया है, लाल मिर्ची पाउडर लिया है, हरी मिर्च ली है बारीक कट करके, एक ऑनियन लिया है, अरारोट लिया है, मैदा लगेगा, सादा नमक लगेगा, अमचूर पाउडर लगेगा। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न कैसे बनता है कुछ मेरे अंदाज में। ये मैंने यहाँ पे फ्रोजन लिए हैं कॉर्न, इसको मैंने बॉईल करके रखा है। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं आप देखिए। मैं इसमें 3 चम्मच अरारोट डाल रही हूँ, ये डाल दिया। 1 चम्मच हमें इसमें मैदा डालना है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे हम इसमें, और ये सादा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे इस टाइप से। देखिए मैंने इसको मिक्स किया है, ये हल्का सा फरका लग रहा है, हम इसमें हल्का सा पानी छीट देंगे, और आप हाथ से मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छे से होगा ये। और इसको अच्छे से इसमें ये सब मैदा और ये अरारोट अच्छे से लग जाएगा वो बॉईल करने में। ये हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में, तो अच्छे से ये क्रिस्पी बनेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, तेल इधर हमारा अच्छा गर्म हो गया है, मैंने कॉर्न डाल के देखा है अच्छा गर्म हो गया है, इसे गर्म तेल में आपको डालना है। अब मैं इसमें इनको फ्राई कर रही हूँ। ये कॉर्न जब हम तलते हैं ना, ये उड़ते भी है, तो आप इसको ये डालने के बाद में इसको ढक्कन लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए अब आप डाल दिए, और इसको थोड़ा सा ढक देंगे तो ये उड़ेगा नहीं। ये देखिए ये थोड़े थोड़े ऊपर आते जा रहे हैं, मतलब ये हमारे फ्राई होते जा रहे हैं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ये 5 से 7 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। देखिए ये फ्राई हो गए, अब हम इसे पेपर नैपकिन पे निकाल लेंगे, जिसका ऑयल जो भी रहेगा इसका इसमें आ जाएगा। ये देखिए ये काफ़ी क्रिस्पी हो गए, देखिए ये सारे हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हुए, कितने क्रिस्पी, देखिए काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं बनने पे। ये हमने फ्राई करके रख लिए, ना इसमें ज़्यादा ऑयल है, देखिए कितने सूखे से भी लग रहे हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, जो हमने ये ओनियन लिए हैं बारीक बिल्कुल कट करके रखे हैं, हम इसमें ये डालेंगे। इसमें जो ये हरी मिर्च कट करके रखी थी वो डालेंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल रहे हैं, इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट रहता है, इसमें मैंने अमचूर पाउडर का उपयोग करा है ये, और हल्का सा काला नमक तो बनता ही है भैया, इतना सा काला नमक टेस्ट और ज़ोरदार हो जाएगा। और ये हरा धनिया जो कट करके रखा वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए ये बन गए हमारे क्रिस्पी कॉर्न, देखिए रेडी हमारा क्रिस्पी कॉर्न। आज बना है क्रिस्पी कॉर्न, ये मतलब मेरी तो इसकी हर डिश मेरे लिए तो बिल्कुल फेवरेट रहती है, और हर चीज जैसे क्रिस्पी कॉर्न की आपको यूट्यूब पे बहुत सारी डिशेस मिलेंगी, बहुत सारे लोगों ने क्रिस्पी कॉर्न ट्राई करा है, कई बड़े बड़े शेफ्स ने करा है, पर मुझे इसके हाथ में जो एक इसमें हर्षिता का तड़का है, आप ये क्रिस्पी कॉर्न जरूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही क्रिस्पी है, स्वादिष्ट है। आप एक बार हर्षिता हरीश की रसोई में हर्षिता का तड़का, तो ये क्रिस्पी कॉर्न आप हर्षिता की विधि से बनाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। हल्का सा काला नमक आता है, इसमें थोड़ा सा नींबू डाल लें, इसमें और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो अपने को पसंद हो, डाल के बहुत ही स्वादिष्ट
क्रिस्पी कॉर्न आप सब लोग जरूर ट्राई करें। आप सभी को हम दोनों का जय श्री कृष्ण, ऐसे ही प्रेम इसने हमारे चैनल पे बनाए रखे। थैंक यू सो मच।